नमस्कार दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई। यह नाम लेते ही आपके दिमाग में एक ऐसे बंदे की छवि बनती है जो अपराध व खौफ फैलाने के अलावा कुछ नहीं जानता। आपके सामने गैंग, गैंगवार, हथियार इत्यादि आंखों के आगे आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर बड़े गैंगस्टर या अपराधी में ऐसे गुण जरूर होते हैं जो हमें भी अपनाने चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी तीन ऐसी बातें या लॉरेंस के तीन ऐसे गुण जिनको हमें भी अपनाना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप भी लॉरेंस के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि लॉरेंस से जुड़ा हर छोटा व बड़ा अपडेट आपको मिलता रहे। हमारा चैनल लॉरेंस बिश्नोई की किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करता है। हम इस वीडियो में केवल लॉरेंस के अच्छे गुणों को प्रदर्शित कर रहे हैं जो समाज में बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद। लॉरेंस की अच्छाई नंबर 1, रिस्पेक्ट फॉर गर्ल्स। दोस्तों, आमतौर पर हम समाज में देखते हैं कि ज्यादातर अपराधी महिलाओं पर गंदी नजर रखते हैं, लेकिन लॉरेंस इस चीज के सख्त खिलाफ हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने देश भर में होने वाले रेप कांड के खिलाफ काफी आवाज उठाई है। वह लॉरेंस समाज की युवा पीढ़ी को यह संदेश देते हैं कि महिलाओं व लड़कियों की इज्जत करो। अच्छाई नंबर 2, भगत सिंह का। दोस्तों, लॉरेंस का दूसरा गुण यह है कि लॉरेंस अपना आदर्श अमर शहीद भगत सिंह को मानते हैं और लॉरेंस युवाओं से यह अपील करते हैं कि वो भगत सिंह के आदर्शों पर चले व समाज में अच्छे बदलाव लाए। अच्छाई नंबर 3, लॉरेंस का वन्य जीवों के प्रति प्रेम। दोस्तों, यह खूबी लॉरेंस को सभी गैंगस्टरों से अलग बनाती है। इसका मुख्य कारण है लॉरेंस की जाति बिश्नोई होना, और बिश्नोई जाति के लोग हिरण जैसे वन्य प्राणियों को अपना सगा संबंधी मानते हैं, और यही कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे डाली थी। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको लॉरेंस की ये तीन अच्छी बातें, और क्या आप इन बातों को अपनी जिंदगी में लाना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप लॉरेंस के फैन हैं और अब तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हर छोटा व बड़ा अपडेट आपको मिल सके।